स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजेस रिसर्च पॉइंट में। आज हम आप सबके बीच एक होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सिमालिया पेन किलर ड्रॉप्स या सिमालिया पेन किलर ड्रॉप्स। के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, ये कि इसका प्राइस क्या है इसके बारे में जानेंगे और ख़ासकर जानेंगे कि यह किस प्रकार के दर्द में हमें यूज करना चाहिए। बहुत से लोग इसका यूज नहीं जानते हैं और गलत तरीके से इसका यूज करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में पूरी अच्छी से जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। यदि बात हम करें सिमालिया पेन किलर ड्रॉप्स का, तो यह एक दर्द में यूज होने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन है और जैसे कि इस पे लिखा हुआ है दर्द नाशक एन एनाल्जेसिक पेन। तो हम बात करते हैं इसे किस प्रकार के दर्द में लेने चाहिए और इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम बताएंगे। इसे आप अर्थराइटिस या ऑस्टियोअर्थराइटिस जैसे पेन में ले सकते हैं, यानी अर्थराइटिस कहने का मतलब यानी आपके शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी हो जाने के बाद आपको गांठ गांठ में दर्द होता है, जैसे घुटने में हो गया, कमर में हो गया, कलाई में हो गया या फिर बाजू में हो गया, इन सभी चीज़ों में दर्द होते रहता है, जिसे हम अर्थराइटिस या ऑस्टियोअर्थराइटिस पेन कहते हैं। तो इसमें इसका यूज अच्छी मानी जाती है और ये एक अच्छा ड्रॉप्स भी है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल प्राइस 60 रुपया में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अर्थराइटिस के साथ साथ आप इसे न्यूरोलॉजिक्स पेन में भी कर सकते हैं, यानी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित यदि आपको बीमारी है, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे नस में प्रॉब्लम, यदि आपके नस में प्रॉब्लम होता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं होता, यानी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होता है जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे सिर में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं, यानी और जहाँ पर नस में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है उस स्थान पर भी आपको दर्द महसूस होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर पेन, यानी आपके मांसपेशियों में जब दर्द हो। कई बार आपके मांसपेशी में इतना दर्द हो जाता है कि आपको उठने बैठने तक में दिक्कत होता है, जैसे कि जांघ के मांसपेशी हो गया, घुटने के नीचे का मांसपेशी हो गया, कमर के पास का मांसपेशी हो गया या गर्दन के पास हो गया, या फिर आपके हाथ में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस मस्कुलर पेन में भी इसका यूज अच्छी मानी जाती है और ख़ासकर इसका यूज आप साइटिका के दर्द में भी कर सकते हैं। आप सब भली भांति परिचित होंगे कि साइटिका का दर्द कितना ही खतरनाक होता है, यदि एक बार यह दर्द उठ जाए तो लगातार 24-48 घंटा तक करता ही रह जाता है और मुख्य रूप से साइटिका का यही लक्षण है। तो इस दर्द में भी आप इसका यूज अच्छे तरीका से कर सकते हैं, यानी खासकर ये दर्द के लिए बना है। आप इसकी डोज की बात करें तो आप इसे 5 से 6 बूंद पानी के साथ 3 से 4 घंटे के अंतराल में लेना चाहिए। यदि आपको दर्द ज़्यादा है तो आप 10 बूंद तक भी इसका सेवन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। यदि आपको किसी भी मेडिकल से संबंधित जानकारी लेना हो या फिर किसी इंजेक्शन के बारे में या ड्रॉप्स के बारे में या कैप्सूल्स के बारे में या टैबलेट के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।